दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में। टाटा मोटर्स में दोस्तों एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है और हो सकता है दोस्तों इस खबर के बाद शेयर में हमको प्रेशर देखने को मिले, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोविड रिलेटेड इश्यूज हैं दोस्तों उसकी वजह से हमको शेयर में ऑलरेडी प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है दोस्तों ये और हमको करेक्टेड लेवल पे देखने को मिले। तो अगर दोस्तों ये करेक्ट हुआ तो देखिए कहां तक हमको करेक्ट होते हुआ देखने को मिल सकता है। तो करीब मैं बताऊं आपको, ये हमको 280 का लेवल दोस्तों हमको रीटेस्ट करते हुए दिख सकता है। और ये लेवल दोस्तों ये पहले भी काफी एक इसका मेजर सपोर्ट है, आप कह सकते हैं। देखिए यहाँ पर इसने कई बार सपोर्ट लिया है, ये डेली कैंडलस्टिक चार्ट पे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर देखिए यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस लिया, देन रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, अच्छा खासा तेजी देखने को मिली, फिर ये नीचे आया, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया। तो दोस्तों फिर से एक बार ये हमको 280 के लेवल रीटेस्ट करता हुआ दिख सकता है। तो अगर 280 के लेवल पे सस्टेन कर गया तो दोस्तों अच्छी बात है, अगर एडवर्स सिचुएशन रही तो ये हमको और करेक्टेड लेवल जो है दिखा सकता है, और वो इसका नेक्स्ट सपोर्ट होगा दोस्तों करीब करीब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 260 के आसपास, जो कि इसके 100-day मूविंग एवरेज भी है। और अगर दोस्तों सिचुएशन और भी ज़्यादा गंभीर हुई तो ये आ सकता है और नीचे, और वो होगा 230 पे, जो कि इसका 200-day का मूविंग एवरेज भी है। तो ये लेवल्स हैं इसके 280, 260 और 230। तो ये लेवल्स अगर दोस्तों आपको देखने को मिले तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से दोस्तों एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। अब आप ऐसे सोच रहे होंगे मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मुझे टाटा मोटर्स का भविष्य दोस्तों काफ़ी उज्जवल लगता है। जिस प्रकार से ये डेवलपमेंट्स कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को लेकर, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन यहाँ पर दोस्तों मुझे मैनेजमेंट से कमेंट्री सुनने को मिलती रहती है। उनका फ्यूचर आउटलुक भी काफ़ी अच्छा है। अगर हम बात करें देखिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की, तो ऑलरेडी यहाँ पर इकोसिस्टम इन्होंने डेवलप कर लिया है, चाहे चार्जिंग स्टेशन की बात करें, चाहे बैटरी मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, और जो गाड़ियाँ चल रही है दोस्तों ऑलरेडी ईवी की टाटा मोटर्स की, उन्होंने काफ़ी अच्छा दोस्तों मार्केट शेयर यहाँ पर कैप्चर कर लिया है। तो ये कई चीज़ें हैं दोस्तों जो फ्यूचर को यहाँ से दर्शा रही है कि देखिए फ्यूचर में क्या चीज़ हो सकती है। भविष्य आपको पता है इलेक्ट्रिकल व्हीकल का होने वाला है, ये एक डिसरप्शन होने वाला है। तो टाटा मोटर्स दोस्तों आपको वहाँ पर सबसे ऊपर खड़ा हुआ नजर आएगा, और जिस प्रकार से दोस्तों मैनेजमेंट की अग्रेसिव अप्रोच है अपने बिजनेस को लेकर, काफ़ी ज़्यादा मैं तो ऑप्टिमिस्टिक हूँ एटलीस्ट। और दोस्तों आपको भी यहाँ पर मैं कई बार बता चुका हूँ टाटा मोटर्स के बारे में, तो आज फिर से एक बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और बात करें देखिए पैसेंजर व्हीकल्स की भी, तो दोस्तों अब मार्केट शेयर ही अपना गेन कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। पैसेंजर व्हीकल्स में चाहे कमर्शियल व्हीकल्स की हम बात करें, तो ये अब दोस्तों मार्केट शेयर अपना यहाँ से बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे, तो ये एक अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। तो ये कई चीज़ें हैं। और बात करूँ देखिए इनके जो नए MD हैं चंद्रशेखरन जी, वो भी दोस्तों उन्होंने साफ साफ बोला है कि जो डेट है कंपनीज पे, ये अपने डेट को कम करना चाह रहे हैं और कम करेंगे 2024 तक जो है बहुत कम कर देंगे। और हाल ही में आपने देखा होगा दोस्तों जो प्लेजिंग है टाटा ग्रुप की जो कंपनीज है उनमें काफ़ी कम होती हुई दिखी है। तो मैनेजमेंट दोस्तों काफ़ी अच्छा यहाँ पर है टाटा ग्रुप का, और जो नए MD हैं उनको दोस्तों उनका जो अप्रोच है वो भी काफ़ी यहाँ से पॉजिटिव मुझे नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए। तो और चीज़ें मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बताने वाला हूँ दोस्तों, अभी फंडामेंटल्स पर जब हम चलेंगे, और क्या न्यूज़ है वो तो आपको बताने ही वाला हूँ। तो वहाँ चलने से पहले दोस्तों एक बार आपको बता दूँ, चैनल पर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, इन्फॉर्मेटिव लगे तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर भी आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों क्या न्यूज़ है उस पर चलते हैं पहले। तो ये न्यूज़ है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आज ही की न्यूज़ हमको देखने को मिल रही है, और जगुआर लैंड रोवर आउटपुट एट 2 UK प्लांट्स हिट बाय चिप शॉर्टेज। तो जैसा दोस्तों मैं आपको कई टाइम से बता रहा हूँ, सेमीकंडक्टर की जो है शॉर्टेज चल रही है ऑल अक्रॉस द ग्लोब, उसकी वजह से जो है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री और जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इम्पैक्ट हो रही है। तो ये न्यूज़ आप पढ़ सकते हैं, देखिए यहाँ पर जो दो प्लांट्स हैं इन्होंने उनको टेम्परली आउट ऑफ जो है ऑपरेशंस कर दिया है। तो ये इस टाटा मोटर्स के लिए दोस्तों डेफिनेटली नेगेटिव न्यूज़ है, क्योंकि आपको पता है दोस्तों JLR जो है काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है रेवेन्यू में, और टाटा मोटर्स भी दोस्तों अगर यहाँ से रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ तो वहाँ पर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट टाटा मोटर्स में भी देखने को मिल सकता है। अगर मैं बात करूँ देखिए इनके जो कौन से प्लांट्स हैं जो हिट हुए हैं, इम्पैक्ट हुए हैं, जहाँ पर जो है हॉल्ट हुआ है, तो ये है दोस्तों एक प्लांट कैसल ब्रॉमविच और दूसरा है हेलवुड। तो ये दो प्लांट्स दोस्तों इनके अभी टेम्प्ररी आउट ऑफ ऑपरेशन हो चुके हैं एक्चुअली, और इसकी वजह से यहाँ पर डेफिनेटली जो है हमको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और अगर दोस्तों चिप शॉर्टेज ऐसे ही कंटिन्यू रही और सप्लाई चेन डिसरप्शन कंटिन्यू रही, तो हमको ये जो दूसरे प्लांट्स भी हैं दोस्तों इसमें भी पॉसिबिलिटी है कि हमको खबर मिले कि यहाँ पर आउट ऑफ ऑपरेशन हो चुके हैं ये भी, तो आप समझ सकते हैं कि प्रेशर यहाँ पर हो सकता है टाटा मोटर्स में भी, क्योंकि कंट्रीब्यूशन दोस्तों काफ़ी आता है JLR से। टाटा मोटर्स के जो JLR का रेवेन्यू है दोस्तों काफ़ी कंट्रीब्यूट करता है टाटा मोटर्स की स्टेटमेंट में। और अगर हम ग्लोबल बात करें, देखिए ग्लोबल कहाँ कहाँ पर इनके प्लांट्स हैं, USA में है, स्लोवाकिया में है, चाइना में है, इंडिया, हंगरी, ऑस्ट्रिया, ब्राज़ील, तो इतनी जगह इनके प्लांट्स हैं JLR की जब हम बात करें। तो यहाँ पर जो है न्यूज़ थी दोस्तों काफ़ी ये नेगेटिव है। और अगर मैं बात करूँ इनके फंडामेंटल्स की,
तो देखिए दोस्तों, फंडामेंटल्स अभी आपको देखने को मिलेगा इसमें डेट प्लेजिंग, लेकिन रिसेंटली दोस्तों आपको पता है इनमें डेट भी कम हुआ है और प्लेजिंग भी इन्होंने काफी कम की है, तो ये पॉजिटिव चीज है। और आप देखेंगे लास्ट क्वार्टर में इन्होंने पॉजिटिव जो है नेट प्रॉफिट पोस्ट किया था, जो कि एक काफी पॉजिटिव चीज है। और इनका जो है मार्केट शेयर दोस्तों पैसेंजर व्हीकल्स में भी बढ़ता जा रहा है और एसयूवीज में भी बढ़ता जा रहा है, और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में दोस्तों ऑलरेडी ये काफी अच्छा मार्केट शेयर इनके पास है, तो ये काफी अच्छी चीज है। और मैनेजमेंट भी काफी इनका बेहतरीन है। अब यहाँ पर दोस्तों एक चीज जो आपको दिखाना चाह रहा था वो है इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न में छुपी हुई। यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, टाटा सन्स ने मार्च के क्वार्टर में लेटेस्ट दोस्तों शेयर होल्डिंग जो है पैटर्न आ चुका है मार्च 2021 का, 42 से बढ़ा के 46 कर लिए दोस्तों, जो कि एक कमेंडेबल चीज है। अगर टाटा सन्स दोस्तों अपने ही कंपनी में स्टेक्स बढ़ा रही है, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कितनी यहाँ पर अच्छी चीज है, पॉजिटिव चीज है। एज ए शेयर होल्डर दोस्तों हमको भी यहाँ पर इसको एज ए पॉजिटिव लेना चाहिए, क्योंकि कंपनी के मालिक अगर खुद अपनी कंपनी में स्टेक खरीदते हैं तो ये भविष्य के जो है उनके नजरिए को दर्शाता है। FIS देखिए 13 के आसपास FIS की होल्डिंग है, FIS की थोड़ी कम हुई है हालांकि, और बात करें DIS की और पब्लिक की तो, लेकिन मेन जो इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पर जो है जो चीज़ है वो है ये, जहाँ पर टाटा सन्स दोस्तों टाटा ग्रुप खुद अपना यहाँ पर जो प्रमोटर्स हैं अपनी कंपनी में स्टेक बढ़ा रहे हैं, तो ये काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है। और जैसा मैंने आपको बताया था दोस्तों, अगर लास्ट क्वार्टर में इन्होंने जो है प्रॉफिट जो है पोस्ट किया था पॉजिटिव, जो कि एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर हम देखें दोस्तों, ओवरऑल फंडामेंटल्स आपको इतने अच्छे नजर नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप फ्यूचर देखें दोस्तों, जिस प्रकार से मैनेजमेंट का आउटलुक है, जिस प्रकार से इंडस्ट्री आगे की तरफ बढ़ रही है, और जिस इंडस्ट्री में ये डेवलपमेंट्स कर रही है वो इंडस्ट्री दोस्तों काफ़ी एक डिसरप्टिव इंडस्ट्री है फ्यूचर में। टेस्ला भी देखिए यहाँ पर अपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगा चुकी है, तो यहाँ पर काफ़ी डिसरप्टिव इंडस्ट्री है, उसमें टाटा मोटर्स एक आप कह सकते हैं कि फर्स्ट मूविंग एडवांटेज इसके पास है, तो इस बिजनेस में आप जरूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक बार दोस्तों अपनी रिसर्च और स्टडी भी जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको टेक्निकल चार्ट पे समझा दिया और बाकी जो डेवलपमेंट्स है वो बता दिए, क्यों आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज में तलाश करनी चाहिए उसके पीछे के रीजंस बता दिए मैंने। तो आई होप दोस्तों पूरा एनालिसिस पूरा वीडियो आपको ये पसंद आया होगा, तो जरूर इस वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिएगा, अगर हेल्पफुल लगे इन्फॉर्मेटिव लगे तो जरूर इसको शेयर भी कीजिएगा। कोई भी आपके क्वेश्चन डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।